नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइफ में। 2020 में होने वाले चुनाव 2015 से काफ़ी अलग हैं। काफ़ी अलग इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार जो पिछले चुनाव में एक साथ थे वो इस बार एक साथ नहीं है, और जो एक साथ नहीं थे वो एक इस बार एक साथ है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको अभी, तो मैं आपको समझा दूँ कि पिछले चुनाव में जदयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और इस बार दोनों साथ हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो मुद्दे हैं वो सुलझते नहीं दिख रहे हैं वहाँ। इन्हीं वजहों से हो सकता है कि वो मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं। इस बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स आज हम बाबा से जानेंगे। वो बताइए, क्या कुछ है आज आपके पास प्रिया? सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया भी, 2015 और 2020 की स्थितियाँ बड़ी अलग हैं। जी बिल्कुल। हालाँकि 2005 और 2010 में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ हुआ करते थे, तब भी स्थितियाँ कुछ अलग थी। नीतीश कुमार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ उससे नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ कम हुई है। जी बिल्कुल। हालांकि 2019 का चुनाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने सेक्रीफाइस किया। 2019 के लोकसभा में उसे जनता के मिजाज को भांपना था और ये तय करना था कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बैठाया जाए, इसलिए उसने नीतीश कुमार से समझौता किया था और ये समझौता हो भी गया। जी, नीतीश कुमार के चलते भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 छत्रपों को तिलांजलि देनी पड़ी, यानी कि उनको बैठाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग है। हालांकि 2015 में दोनों अलग अलग लड़े थे, तो अलग अलग लड़े थे तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जिन सीटों पर दोनों में टक्कर भी हुआ होगा। जी बिल्कुल। और इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें नीतीश कुमार जी को वो सीटें चाहिए जिसमें टक्कर तो हुए थे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से थोड़े वोटों के अंतर से वो हारे थे और उससे पहले उनकी पारंपरिक सीट भी रही जी, है। कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी की जो दर्जन भर सीटें हैं उसमें जदयू ने अपना दावा ठोक दिया है। बिल्कुल, वो उन सीटों का आंकड़ा दर्जनों है, दर्जन भर नहीं दर्जनों है जी। ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपना फीडबैक मंगा रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ताओं की एक है लिस्ट है, आरएसएस है, मंडल हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की उन्होंने किया, हालांकि सब पार्टियों ने किया है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक एग्रेसिव आरएसएस का जो कोर समर्थन है जी, वो समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके हिसाब से जो चीज़ें छन करके आती हैं या सर्वे में आती हैं उन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अमल करती है। तो जो हमारे पास लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से ऐसे 25 से 30 सीट हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पसंदीदा सीट हैं और वो चाहते हैं कि उन सीटों पर हम चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी हमें दे दे जी। अब देखिए इसमें टक्कर क्या हो रहा है, टक्कर ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार जिन सीटों पर चुनाव लड़े हैं वो सीट उनका टक्कर जो है वो आरजेडी से सीधा हो, और नीतीश कुमार खिलाड़ी कम नहीं है, वो चाहते हैं कि उन सीटों पर टक्कर जो है वो आरजेडी का, आरजेडी के साथ बीजेपी का हो जी। पेंच यहीं फंसा हुआ है। आप समझिए कि नीतीश कुमार के पास 71 सीटें थी, अभी 69 बची हुई हैं, इन 69 सीटों में से वो अपनी सीटें तो बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सीटें उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कटने वाला है जी, और यही नीतीश कुमार के उंगली रख देने से करीब आप समझ सकते हैं 53 मात्र सीटें हैं जो जीती हुई सीटें हैं, और इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां अंतर कम था। तो नीतीश कुमार जब दर्जनों मतलब 30 सीटों पर जब नीतीश कुमार उंगली रख देंगे तो बचेगी मात्र 23 सीटें जी। बिल्कुल। तो 23 सीटें क्या जीती हुई 23 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और बाकी शेष नई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? हालांकि पिछले चुनाव में वो 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2015 में, लेकिन इन सब के बीच में जो फीडबैक आया है वो फीडबैक यही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं बातों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार के उन सीटों पर उंगली रखने के बाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि 17 ऐसी सीटें हैं, वो तो पहले ही सर्वे में जो फीडबैक आया उस फीडबैक के हिसाब से 17 ऐसी सीटें हैं जिसमें जीत हार का आंकड़ा 25,000 से ऊपर था जी, मतलब बीजेपी 25,000 से ज़्यादा वोटों से हारी थी, उन उम्मीदवारों के टिकट तो निश्चित रूप से कट गए हैं। उनमें से हो सकता है एकाध लोग जो बहुत ज़्यादा पार्टी के करीब हों या परिस्थितियां कुछ हों तो एकाध लोगों का सीट रिटेन हो सकता है, वो उनको फिर से उम्मीदवारी दी जा सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों की टिकटें मान लीजिए कि कट जाना है, और इन सीटों पर निश्चित रूप से जदयू अपना दावेदारी कर सकती है। इसके पहले भी जो लोग आरजेडी से जदयू में शामिल हुए थे
वो लोग जो बीजेपी की जो पारंपरिक सीट थी वो उस पर वो दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे मना कर दिया था। बिल्कुल, ये जो खबरें बाहर छन करके आती हैं वो खबरें हैं, भीतरखाने की खबरें कुछ अलग हैं। और भीतरखाने की खबरों में आपको बता दें कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसी बात की हो रही है कि भीतर ही भीतर घमासान मचा हुआ है। और उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसी सीटों पर उंगली रख दिया है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीटें रही हैं। जैसे आप मान के चलिए कुछ उदाहरण हैं कि पटना राजधानी के सटे हुए जितने भी इलाके हैं इनमें से कम 6-7 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कई सालों से डोमिनेट कर रही है, कई सालों से वो जीतती आ रही है, और उन सीटों पर इस बार नीतीश कुमार ने उंगली रख ली। हालांकि पिछले चुनाव में भी कई सीटें थी जिस पर नीतीश कुमार लड़े थे, जैसे दीघा की सीट जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था। अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नजदीकी हैं और पार्टी के संगठन से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का संजीव चौरसिया का टिकट कट जाना थोड़ा सा असहज लग रहा है, लेकिन वहाँ राजीव रंजन की दावेदारी मजबूत है और राजीव रंजन नीतीश कुमार के करीबियों में से प्रवक्ता भी हैं, करीबियों में से गिने जाते हैं, पिछली बार जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था। ऐसी कई सीटें हैं और खास करके हम आपको बता दें कि प्रवक्ता हैं जो वो भी सूर्यगढ़ा से चुनाव लड़े थे, प्रेम रंजन पटेल, उनका भी जीत हार का आंकड़ा जो था वो 30,000 से ऊपर था। ऐसी स्थिति में उनके भी टिकट विक्रम से अनिल कुमार थे, अनिल कुमार जो हमारे स्टूडियो में भी आए थे, उनको भी आपने देखा होगा कि वो हर बार जीतते थे लेकिन पिछले बार स्थितियां बदल गईं और अनिल कुमार को 40,000 के आसपास, 30,000 से ऊपर 40,000 के आसपास उनको दूरी रही उनकी जीत हार की। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है उसके सर्वे बता रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारी का जहाँ तक सवाल है वहाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने परेशानी जरूर पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। और इसको लेकर के पार्टी के जो उम्मीदवारी के लिए पूरी तरह से नजर आ रहे थे एकदम पॉजिटिव साइन था, उन लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। जी हाँ, तो एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर बीजेपी और जदयू में, उसकी एक वजह तो यही है कि जो बीजेपी की जो पारंपरिक सीट है, बीजेपी की जो सीटें हैं उस पर नीतीश कुमार ने अपना कब्जा कर लिया है। इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो असमंजस में है और जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो रही है। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।